सामने व्यूअर्स, मैं हबीबा शराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब आप सब लोग कैसे हैं? यकीनन अच्छे होंगे। और अभी जिस तरह से हमें घर में रहने का है और इस जिंदगी के इस दिनों को भी गुजारना है, तो स्टे होम एंड स्टे हेल्दी वाली चीज़ पर हमें चलना है और अपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि जो है आप अपने ज़िंदगी को आसानी करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ आप घर में बैठकर कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्केचिंग हो, स्टिचिंग हो, या आप जिस तरह से भी आप गुजारना चाहते हैं तो इन दिनों को आप आराम से गुजार सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जिस तरह से आपको पता है कि मैं हैंग पेंग की लिपस्टिक किस कदर जो है वो दीवानी हूँ और मुझे इनके शेड्स, इनकी पिगमेंटेशन, इनकी शेड रेंज बहुत ज़्यादा होती है। मैट भी हैं और ग्लॉसी भी हैं, तो इस तरह की लिपस्टिकें हैं। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर ये कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जिस तरह से पता है कि हैंग पेंग की मिनी लिपस्टिकें आई हुई हैं साके बॉक्स में, आप देख चुके होंगे इससे पहले भी, तो मैंने इसको बाय किया है और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। न्यूट शेड या जिनको लाइट कलर की शेड पसंद है तो अगर वो चाहें तो वो ज़रूर ये हैंग पेंग की न्यूट लिपस्टिक, मिनी लिपस्टिकें बाय कर सकते हैं। वन बाय वन इनका स्वाचेस करते हैं, देखते हैं कि इनकी पिगमेंटेशन कैसी है, इनके कलर्स कैसे हैं, शेड रेंज कैसी है। और उससे पहले हम इसकी पैकिंग की तरफ आते हैं। तो इस तरह की हमें प्लास्टिक की बॉक्स में हमें मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत इसका बॉक्स है। इस तरह से हैंग पेंग कलर लिपस्टिक्स इस पर लिखा हुआ है, पीछे उनके शेड्स दिए हुए जो जो हैं इसमें शेड्स। इस तरह से 12 इसका कोड है, बार कोड, इसको स्कैन करने से इधर भी दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने जो है अपने तमाम कम्प्लीटली जो है इन्ग्रीडियंट्स लिखे हुए हैं। ये हमें दो शेड्स में मिलती है, यानी कि एक इसका रेड है, यानी उसमें रेड की जो फैमिली से हैं रेड कलर्स हैं उसमें 6, और ये न्यूड है, इसमें लाइट ब्राउन, पीच, इस टाइप के हमें जो है वो कलर मिलेंगे न्यूड में। तो चलते हैं वन बाय वन इसके स्वाचेस करते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसी है। इस तरह की हमें ये पैकिंग में मिलेगी, इस तरह का ये हमें मिरर मिलेगा इसका बहुत खूबसूरत सा, और ये इस तरह की हमें जो है वो रेंज में मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह की ये रेंज में हमें मिलेगी, तमाम कलर्स आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन जो है हम इनके स्वाचेस करेंगे। नंबर्स इनके यहाँ पर दिए हुए हैं, ट्रांसपेरेंट है, अगर आप लोगों को नज़र आ जाए इसके नंबर तो जो है कोशिश करूँ कि आप लोगों को नज़र आ जाए। इसका 13 शेड है, ये 13 इस पर नंबर मेंशन किया हुआ है। इस तरह की हमें लिपस्टिक मिलेगी बिल्कुल छोटी सी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसकी शेड्स देखें, इनको लाइट कलर्स या न्यूट कलर्स पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं नंबर 2 शेड्स 14, ठीक है, पहले 13 था ये 14 है, ये देखें। ये देखिए गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग गर्मियों में लाइट कलर या न्यूट कलर जो है वो वेयर करना पसंद करते हैं। इसमें एक ये जो है वो डार्क कलर है इस तरह से, और 16 इसका नंबर है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है, 18 कलर है ये,
नंबर इसका और इसका ये शेड, ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर है ये। और लास्ट इसका है 19, ये देखिए ठीक है, और इसका ये शेड पिंक टोन में है, ये देखिए इस तरह के हमें शेड मिलेंगे। तो जिनको न्यूड कलर पसंद है, जिनको लाइट कलर पसंद है और जो गर्मियों में वेयर करना पसंद करते हैं लाइट कलर्स, तो वो ज़रूर इन लिपस्टिक्स को बाय करें। मुझे तो लिपस्टिकें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और मैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर चुकी हूँ, और अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको बाय करें, इसको यूज़ करें, और गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर आप इसको बाय कीजिए और इसको वेयर कीजिए, गर्मियों के लिए बेस्ट है। मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कोशिश करूँगी कि ऐसे प्रोडक्ट लेकर आऊँ जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और मैं अभी तक जो भी वीडियोस लेकर आई हूँ सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक ही इजाज़त दीजिए, किसी और नए अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैं आऊँगी वीडियो लेकर, और दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।